ने इस्तीफा दे दिया है। नेपा नगर विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, नेपा नगर से कांग्रेस के विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर और कुछ दिन पहले प्रद्युमन सिंह लोधी ने भी इस्तीफा दिया था और इससे पहले 22 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से। तो एक के बाद एक झटके पे झटके कांग्रेस को सहने पड़ रहे हैं। नेपा नगर से कांग्रेस के विधायक सुमित्रा देवी ने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हालांकि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पहले विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई थी, बाद में उस जानकारी को हटा लिया गया। ऐसे में थोड़ी कंफ्यूजन भरी स्थिति है ये। लेकिन कांग्रेस के लिए एक ही चिंता की बात है कि एक एक करके उनके तमाम विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले प्रद्युमन सिंह लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर, जो कि नेपा नगर से विधायक है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। पहले प्रहलाद लोधी और अब सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दिया है। हालांकि वजह क्या है, कारण क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पूरी जानकारी जुटाई जा रही है इस खबर के ऊपर कि आखिर वो क्या कारण रहे कि सुमित्रा देवी को इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, इससे पहले 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और उसके कारण पूर्व की कमलनाथ सरकार गिर गई थी और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद पहले प्रद्युमन सिंह लोधी ने इस्तीफा दिया और अब सुमित्रा देवी ने भी कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं उनके सदस्यों की तरफ से। पहले प्रद्युमन सिंह लोधी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद सीधे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब नेपा नगर कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब वो बीजेपी का दामन थामेंगी या नहीं, क्या कारण रहे, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट किया है कि राजनीति सिर्फ अर्थ की हो गई है। समझा जा सकता है इशारे इशारों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। हर इस्तीफा देने वाले विधायक शायद ये भूल गए हैं कि जनता उनका खेल नहीं समझ रही है। और आगे उन्होंने लिखा है, कांग्रेस के ठप्पे पर चुनाव लड़ा, जीत गए तो पाला बदल लिया, कोई पार्टी तो बदला नहीं, लेकिन विधायक जी जनता जरूर हिम्मत दिखाएगी, ये भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आने की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस नेता जो सैयद जाफर है, हमेशा वो ट्वीट करके अपने रिएक्शन देते आए हैं और इस मामले पर भी उन्होंने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ठप्पे पर उन्होंने अपना वोट लड़ा और जब वो जीत गई तो उसके बाद उन्होंने अपना पाला बदल लिया। पाला बदलना एक बड़ा इशारा कर रहा है कि आखिर पाला अगर बदला है तो क्या अब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। तो विधानसभा सचिवालय से ये जानकारी मिली है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, सुमित्रा देवी काजडेकर, नेपा नगर ये विधायक है, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, इससे पहले प्रद्युमन सिंह लोधी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था और उसके बाद तुरंत बीजेपी में उन्हें एक बड़ा पद भी दिया गया। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, कांग्रेस को एक और झटका लगा है, कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने भी ट्वीट किया और इस ट्वीट में इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि पहले पार्टी से जीतते और फिर पाला बदल लेते हैं। पाला बदलने से क्या समझा जा सकता है कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ है? देखिए, निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं इस्तीफे को लेकर जो सस्पेंस है वो रात 8 बजे तक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन से भोपाल वापस आएंगे और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो अभी तक खबर है कि सुमित्रा देवी काजडेकर बीजेपी का दामन थाम सकती है। अपने दर्शकों को मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा भोपाल की, जहाँ पर विधायक विश्राम गृह में आप देख सकते हैं कि पारिवारिक खंड क्रमांक 2 है और उसमें मकान नंबर 1924 लिखा है। 24 नंबर का जो मकान है वो सुमित्रा देवी काजडेकर का है और कुछ देर पहले उनके मकान के बाहर उनके जो पीएसओ थे उनसे चर्चा हम लोग कर कराए थे। सुमित्रा देवी इस समय अपने घर के अंदर मौजूद है, अपने दर्शकों को बताएं, और अंदर से थोड़ी देर पहले उनका ये मैसेज आया था कि रात 8 बजे वो चर्चा करेंगी, बाहर निकल कर आएंगी। जब तक वो बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं, इस्तीफे को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो किसी तरीके की हाँ और ना में कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। पर लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि सुमित्रा देवी काजडेकर का इस्तीफा हो चुका है। विधानसभा सचिवालय से इस बात की जानकारी मिली और आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी की सदस्यता लेंगी या नहीं लेंगी, ये एक सस्पेंस है जो भी रात 8 बजे तक खुल जाएगा। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि इस समय उज्जैन में मौजूद हैं, जैसे ही वो भोपाल आएंगे प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहां पर सुमित्रा देवी काजडेकर को
बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा सकती है, ये संभावना है। सदस्यता लेंगी या नहीं लेंगी ये अभी मुख्यमंत्री के वापस आने के बाद पता लगेगा। और कई सारे ऐसे कारण जो है वो सामने निकल कर आए थे जिसकी वजह से सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के अंदर नाराजगी एक प्रमुख वजह हो सकती है। दूसरी एक है कि उनके ऊपर दबाव शायद किसी बात को लेकर था जो बात अब तक सामने निकल कर आई है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले उज्जैन और देवास में कुछ एक कार्रवाई हुई थी जिसमें नकली नोटों के साथ में बड़े पैमाने पर कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे जिनमें सुमित्रा देवी काश्तीकर के सचिव भी शामिल थे, ये आरोप लगे थे। और एक पत्र जो है वो सामने निकल कर आया था कॉपी शिकायत कॉपी के साथ में। तो हो सकता है ऐसा कोई मामला सामने हो या उसके बाद में कांग्रेस की ओर से कोई सपोर्ट ना किया गया हो उनके या उनके परिवार को लेकर जिसकी वजह से नाराजगी है या कोई लालच या कोई प्रलोभन जैसा कि प्रद्युम्न सिंह लोधी के सामने देखने को मिला जो उन्होंने इस्तीफा जिस समय दिया और शाम को उनको मंत्री पद का दर्जा दिया। क्या ऐसा भी कोई ऑफर सुमित्रा देवी के पास में? ये तस्वीर हटने में छटने में थोड़ा सा समय लगेगा पर लेकिन सुमित्रा देवी काश्तीकर ने इस्तीफा दिया है ये लगभग बिल्कुल तय माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर जैसे ही उनके बयान सामने आएंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। और उनका घर के बाहर घर के अंदर वो इस समय मौजूद है विधायक विश्राम गृह के अंदर और रात को 8 बजे का मिलने का समय उन्होंने समय जो है लोगों को दिया हुआ है। सुधीर आप बता रहे हैं कि आप उनके घर के बाहर ही मौजूद है, वहां की हलचल आपको कैसी समझ आ रही है? आपके पीछे मैं एक बैनर भी देख पा रही हूँ, उस बैनर के बारे में भी थोड़ा बताइए। कांग्रेस का है, बीजेपी का है और क्या अभी वहां पर किसी भी तरह के कार्यकर्ता कांग्रेस के या फिर बीजेपी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता क्या उनका जुटने की शुरुआत हुई है? देखिए बिल्कुल कुछ देर पहले एक व्यक्ति जरूर आया था जिसने किसी नेता से उनकी बातचीत फोन पर करवाई थी और उसके बाद में एक सन्नाटा उनके बंगले के बाहर जरूर था क्योंकि जब जिस समय उनके बंगले के बाहर हम लोग गए थे अगर कोशिश कर सकें तस्वीरों के माध्यम से अगर दिखाने की तो निश्चित तौर पर एक जो बात है कि जो कही जा रही है कि सुमित्रा देवी काश्तीकर इस समय अपने घर के अंदर मौजूद हैं और ये वो पारिवारिक खंड है, ये वो पारिवारिक खंड है जो विधायक विश्राम गृह का जहाँ पर सुमित्रा देवी काश्तीकर का 24 नंबर का बंगला है और अंदर अपने पीएसओ नौकर वो इस समय मौजूद है क्योंकि दोनों से हमारी बातचीत हुई थी। पीएसओ का कहना था कि मैडम शॉपिंग करने गई हैं, हालांकि उसके थोड़ी देर बाद उनके जो सर्वेंट था वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने बताया कि मैडम जो है रात के 8 बजे आप लोगों से चर्चा करेंगे, यानी कि सुमित्रा देवी काश्तीकर अपने घर के अंदर मौजूद है। अब तक मीडिया के सामने वो क्यों नहीं आ रही इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से सुमित्रा देवी ही बता सकती हैं पर लेकिन जो एक बात है इस पूरे घर के बाहर देखेंगे कि नीचे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो एक बात कही जा रही है कि स्थितियाँ स्पष्ट शायद कोई नाराजगी एक प्रमुख वजह रही हो और उसके बाद में ही ये बात और बेहतर तरीके से सामने निकल कर आएगी कि क्या वजह उनका पार्टी मोह भंग होने के पीछे रहा। देखेंगे ये ताला जो अंदर उनके घर के बाहर लगा हुआ है, थोड़ी देर पहले ये ताला नहीं था, घर के अंदर लोग मौजूद हैं ये भी बिल्कुल तय है क्योंकि हम लोग लगातार बाहर हैं, यानी कि कह सकते हैं कि दो गेट जो इस पूरे पारिवारिक खंड के अंदर है सुमित्रा देवी काश्तीकर के नेपाल नगर क्षेत्र क्रमांक 179 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूसरे गेट से शायद अंदर जाने के बाद ये ताला पूरा बनाया गया है। क्या कुछ वजह है इस्तीफे की ये जब बातचीत होगी सुमित्रा देवी से तो स्थितियाँ स्पष्ट हो पाएंगी पर देख सकते हैं कि 24 नंबर का ये विधायक विश्राम गृह का बंगला जहाँ पर सुमित्रा देवी अंदर मौजूद है और बाहर से ताला जो है वो लटका हुआ है, अंदर पीएसओ उनके सर्वेंट और सुमित्रा देवी मौजूद है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम इनसे चर्चा करके गए हैं और उसके बाद से कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया है। सुधीर एक बात ये भी आप देखिए कि आपने बताया थोड़ी देर पहले उनके सर्वेंट ने आपसे कहा कि वो रात 8 बजे बात करेंगे, वो घर पे मौजूद थी और अब जब घर में ताला लगा दिया गया तो समझा जा सकता है कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। हालांकि अब ये क्या बात है, ये रात 8 बजे उन्होंने कहा ही है कि पूरी बातचीत क्लियर हो जाएगी। आप नजर बना के रखिएगा, जो भी ताजा अपडेट होगा वो हम आपसे जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे।